एवरीवन, स्वागत है आप सबका अड्डा 247 में। मैं वत्सला मिश्रा लेकर आई हूँ केमिस्ट्री क्लास 12 के कुछ एडिशनल क्वेश्चंस। अब आपको लग रहा होगा कि केमिस्ट्री के कुछ एडिशनल क्वेश्चन, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। अभी हम फिलहाल चैप्टर भी देख रहे हैं जो कि है सॉल्यूशंस, और सॉल्यूशंस में भी जो आपने कॉन्सेंट्रेशन पढ़ी थी, उसको एक्सप्रेस करने का तरीका पढ़ा था, वो फिलहाल हम यहाँ देख रहे हैं उनके क्वेश्चंस। जैसे मोल फ्रैक्शन हो गया, मास परसेंटेज हो गया, जो आप डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, डब्ल्यू बाय वी, वी बाय वी के फॉर्म में निकालते हो वो, उसके अलावा नॉर्मैलिटी, फॉर्मैलिटी, मोलैरिटी, इवन मोलैलिटी भी साथ में, इन सब से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं, है ना। सो चलिए आज का क्वेश्चन को देख लेते हैं। बेसिकली आज का क्वेश्चन क्या कहता है, तो चलिए मेरे साथ बोर्ड पे हम क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। वो क्वेश्चन है फिर से कैलकुलेशन, जो कि मोल फ्रैक्शन का ही है। सो कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन। अब देखते हैं कि वो मोल फ्रैक्शन किसका पूछ रहे हैं। अभी फिलहाल जो मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है वो है वाटर का। ओके, सो वाटर का जो कि मिक्सचर है, इन अ मिक्सचर ऑफ, अब यहां ध्यान दीजिएगा कि ये जो मिक्सचर बनेगा वो किन तरीकों से बनेगा। सो इन अ मिक्सचर ऑफ 2 ग्राम वाटर, यहां से क्लियर हो रहा है कि आपके पास जो ग्राम्स पड़े हैं वाटर के वो 2 ग्राम हैं। उसके अलावा 92 ग्राम आपका इथेनॉल होना चाहिए। फिर से वही है, इथेनॉल याद आया आपको। अब इस बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगी, आई थिंक आपको अभी तक समझ में आ ही गया होगा, C2H5OH। एंड आपका है 108 ग्राम एसिटिक एसिड का। अब बताओ कि एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है। तो बेसिकली जो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है वो होता है CH3COOH। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इसमें ये क्या पूछना चाह रहा है। तो देखिए आप क्या पूछना चाह रहा है, बॉक्स कर दिया मैंने, मोल फ्रैक्शन ही तो चाह रहा है ये। 3 तरीकों से, वाटर भी है, इथेनॉल भी है, और इस बार एक एड ऑन है एसिटिक एसिड का। सो निकाल लेते हैं, मैं 2 का बताऊंगी, 1 अपने आप कर लेना, कुछ तो असाइनमेंट भी होना चाहिए, या मैं 1 का बता देती हूँ, 2 अपने आप कर लेना, ठीक है। सो सबसे पहले देख लेते हैं कि मोल्स, आंसर हमारे यहाँ से शुरू है। सो मोल्स हमारे वाटर के कितने निकले, तो पहले ग्राम देखो, 2 ग्राम। ओके, वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 18। पुट इट हियर। नेक्स्ट वन इज योर एसिटिक एसिड, जो मैं CH3COOH लिख दे रही हूँ क्योंकि मोल्स ही हैं, इसलिए यहाँ पे CH3COOH ऐसे लिख दिया, मोल्स। So, वो निकल के आता है आपका 108 दिया है, यहां पे देखना इथेनॉल के बाद 108, और उसके बाद अगर आप एसिटिक एसिड का निकालने की कोशिश करो तो 60 आता है, क्योंकि 2 कार्बन हो गए आपके, 4 हाइड्रोजन हो गए और 2 ऑक्सीजन हो गए, तो इसके थ्रू ये निकल के आता है 1.8। और अगर अब हम मोल्स की बात करते हैं इथेनॉल की, तो वो कहीं ना कहीं निकल के आता है आपका 92/46, यानी कि 2। ठीक है, सो अगर आप मोल फ्रैक्शन वाटर की बात करो, तो मोल फ्रैक्शन वाटर कितना निकल के आना चाहिए। सो एग्जैक्टली जो आप सोच रहे हो वही मैं भी सोच रही हूं, कि अगर इनका मोल 0.67 है तो हम वो 0.67 ऊपर ले लें, एंड बाकी 0.67 प्लस 1.8 प्लस 2 ऐसे कर लिया, और आंसर निकल के आया 0.15। यहाँ पे आपका क्वेश्चन ख़त्म नहीं होता, आपके लिए 2 सवाल और, कि इथेनॉल और एसिटिक एसिड इनका मोल फ्रैक्शन आपको निकालना, तरीका देख लो यही है। वाटर के मोल्स निकाल लिए, इथेनॉल के मोल्स निकाल लिए, एसिटिक एसिड के मोल्स निकाल लिए, अब तीनों मोल्स का आपको क्या करना है, उन्हें डिनोमिनेटर फेज में रख देना, क्योंकि वाटर का केवल निकालना है मोल फ्रैक्शन। तो ठीक है, मोल्स ऑफ वाटर आपने ऊपर न्यूमरेटर में रख दिया, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, आंसर आ गया 0.15। यूनिट इसलिए नहीं लगेगी क्योंकि ये मोल फ्रैक्शन है, इनके खुद के नाम में ही फ्रैक्शन लगा हुआ है, सो देयर इज नो यूनिट। ओके, सो अभी के लिए इतना ही, प्लीज़ इसको निकाल लीजिए। जो मैंने क्वेश्चन दिया कि आपको वाटर के अलावा जो इथेनॉल और एसिटिक एसिड है वो आपके लिए असाइनमेंट है, प्लीज़ इसको कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर इट।